चलो भाई, यहाँ पे हम लोग कॉफ़ी भी पी लिए और आधा पौन घंटा सो भी लिए, मगर ये मनीष भाई तो सोए भी नहीं है। चलो अभी निकलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभानल्लज़ी सखर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सुभानल्लाह 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 सुभानल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। सुभानक इल्ला फखर हैन। चलो भाई ये देखो, गुजरात का पहला सूरज, एक नंबर, गुड टू गो। 320 किलोमीटर बचा है, बराबर 298 बचा है। चलो इंशाल्लाह जहाँ तक पहुँचते पहुँचते। देखो हमारे सामने दो राइडर्स और, एक GS1250 और एक CBR। क्या बात है भाई, बहुत ज़बरदस्त अच्छा लगता है। ये तो अफ्रीकन ट्विन है, ये GS नहीं अफ्रीकन ट्विन है। चलो भाई, मनीष भाई तो आगे है आगे, और हम रह गए हैं पीछे, और मनीष भाई मुझसे 2 किलोमीटर दूर है। अभी यहाँ पर जो है मनीष भाई को नींद आने लगी है, मनीष भाई को उस वजह से रुकना पड़ा यहाँ पर। अभी रुकेंगे आराम, पहले राइड होते रहेगी, अगर आराम ही नहीं कर पाएंगे तो राइड कैसे करेंगे। इसके पहले जब हम लोग रुके थे तो मेरा नैप लेकर हो गया था। अभी जो भारी है मनीष भाई की, मनीष भाई लंबे हो चुके हैं। मनीष भाई 15 मिनट मस्त नैप ले लो, एक क्विक नैप, किटी नैप ले लो, फिर निकलते। ऐसी खटिया मिल जाए सफर के बीच में तो क्या मजा ही मजा है। हाँ खटिया देख के तो रुका है गाड़ी इधर। अभी देखो वहाँ पे पहले रुका है था मैंने। हाँ उधर तुम 4 किलोमीटर आगे भाग के आए। हाँ एक जगह रुक गए थे हम लोग, वहाँ पे बहुत सारी खटिया थी, मैंने रुका था, मनीष भाई रुके थे, मगर मैं आगे निकल गया था। फिर मनीष भाई फिर से 4 किलोमीटर आगे आए, फिर यहाँ पे रुके। वहाँ पे वो होटल है मगर ऐसी खटिया नहीं है वहाँ पर। देखो गाड़ी की हालत देखो कैसी हुई है, एकदम मस्त रखा हुआ है सब कुछ, हर चीज एकदम परफेक्टली बंधी हुई है। मेरी जानमाज थी यहाँ पे रखी हुई, मगर जानमाज ही गिर गई, हवा से गिर गई वो। फर्स्ट लॉन्ग राइड, ये बात तो सही है, मेरी जो है ये फर्स्ट लॉन्ग राइड है, वरना मनीष भाई ने तो लद्दाख वद्दाख क्या क्या नहीं करे, पूरा नॉर्थ ईस्ट, पूरा नॉर्थ ईस्ट। चलो भाई एक बार फिर से थोड़ा थोड़ा सा सोने के बाद सफर की शुरुआत फिर से हो रही है। अभी 200 या 210 किलोमीटर कुछ बचा हुआ है अहमदाबाद, इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे जल्द से जल्द। सूरज तो पूरे उर्ज पे है उसके। चलो कहाँ तक पहुँचते हैं देखते हैं इंशाल्लाह। सवेरे के 9:30 बज रहे हैं, इंशाल्लाह हम लोग 1:30 या 2 बजे तक अहमदाबाद पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। देखते जितने स्टॉप बढ़ेंगे उतना वक्त बढ़ेगा अहमदाबाद। ये देखो क्या बात है, जहाँ हम जाएंगे जानवर ही जानवर पाएंगे, माशाल्लाह माशाल्लाह। वेलकम टू नर्मदा टोल प्लाजा। ये गुजरात का बड़ा ही मशहूर ब्रिज है जो है नर्मदा ब्रिज, बहुत ही मशहूर, उसके ऊपर से जाएंगे भाई हम। ये आ गया नर्मदा ब्रिज, क्या बात है भाई क्या बात है। अभी तो यहाँ पे सेटल तो ज़रूरी है भाई, ज़रूरी है। ओहो वाह भाई वाह, दिस इज लाइफ, क्या बात है भाई क्या बात है। चलो ये जो पहाड़ आप लोग देख रहे हो, दरअसल ये पहाड़ तो है, नेचुरल पहाड़ नहीं है, ये कचरों का पहाड़ है, कचरे का। देखो नीचे से ऊपर तक कचरा, भागो जल्दी यहाँ से भागो। रात भर और सवेरे तलक कॉफी पिए, और अभी हमें गन्ने का जूस पीना है भाई, पीना तो पड़ेगा, गर्मी इतनी पड़ रही है। 11:30 हो गए, 11:30, ये अटक गया। चलो भाई हो गया, एक ग्लास गन्ने का जूस पी लिए हमने, हो गया हमारा तो। ये इतना ठंडा रहता ना, बर्फ बर्फ डाल के देते हैं। एक्चुअली मेरी जो आदत है ठंडा पानी पीने की या ठंडा जूस पीने की, ये छूट गई है। पिछले 2.5-3 साल से मैं नहीं पीता हूँ, ये एकदम एक साथ ऐसा पी लिए तो तकलीफ़ हो जाती है, इसके लिए मैंने पिया ही नहीं। चलो खैर, अभी अहमदाबाद बचा है 115 किलोमीटर, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, हमारी खलीफा भी अच्छी परफॉर्म कर रही है और हर चीज़ सही से चल रही है। मगर एक चीज़ की दिक्कत हो रही है, वो क्या दिक्कत हो रही है मैं एक बार पहुंच जाऊँ अहमदाबाद फिर बताऊँ। ये देखो क्या रास्ता दिख रहा है भाई, ये
बहुत ही बढ़िया। देखो इतना अच्छा रास्ता है फिर भी 80 के ऊपर नहीं जा रहा है कांटा हमारा, ज़्यादा से ज़्यादा 85 हो रहा है मगर उससे ज़्यादा नहीं। I don't wanna say anything, 'cause if I do, I might say the wrong words. Oh no. So I'll keep my mouth shut and not listen. Afraid I'd lose you if I didn't. Till we find what we're missing and compromise. So I'll keep my shoes on and not leave it. We're on thin ice, winter season. Can't wait for a single reason not to say goodbye. ये देखो क्या बात है भाई, झील है ये तो, खूबसूरत खूबसूरत झील, बड़ी ही प्यारी। व्हाट इज दिस, यहाँ पे थोड़ा रुका जाए। जब इतनी अच्छी जगह दिखी है इतने वक्त बाद, कल से निकले हुए हम, कल रात 10 बजे के निकले हुए हैं और अभी जाके कुछ मज़ेदार चीज़ देखने मिली है। देखो ये देखो, यहाँ पे तो ये चॉपर लैंड हो रहा है, क्या बात है भाई। विच प्लेस इज दिस, ये झील है झील। हाँ यार ये तो झील नहीं, ये बहता पानी है। खैर रास्ता तो बड़ा प्यारा है, बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छा। हाँ यहाँ पे साया, यहाँ पे खलीफा फुल लोडेड, और यहाँ पे मनीष भाई और कैमरा के पीछे हम। चलो भाई अब बस कुछ देर बाद पहुंच जाएंगे हम हमारे डेस्टिनेशन पे, आज के डेस्टिनेशन पे। कल का डेस्टिनेशन कुछ और होगा जो आप लोगों को पता चल ही जाएगा कि आखिरकार हम जा कहाँ रहे हैं। चलो अहमदाबाद से थोड़ा बाहर आकर हम लोग पेट्रोल भर रहे हैं और यहीं बाहर पे कहीं पे रूम लेंगे और वहीं पे आराम करेंगे और फिर देखते हैं आगे क्या करना है। पहले पेट्रोल तो फुल कर दे, ये रात की तैयारी हो रही है। चलो भाई हो गया यहाँ पर, और फिर से जो है हमारी गाड़ी में कम पेट्रोल बैठा है और मनीष भाई की गाड़ी में ज़्यादा का पेट्रोल बैठा है। तो ये अच्छी चल रही है दोनों भी गाड़ी, मज़ा आ रही है। ये सारी चीज़ें करने से ना एंगेज रहते हैं हम लोग, मज़ा आता है, इसलिए मैं व्लॉग में बता रहा हूँ। चलो अभी तो फटाफट रूम देखते हैं और हमारे दिन को एंड करते हैं। मनीष भाई कैसा लग रहा है तुम्हारे को अहमदाबाद की सड़कों पर इतनी धूप में राइडिंग जैकेट पहन के खड़े हुए? खड़ी खम्मा जेठालाल के गांव में आपका स्वागत है। 690 किलोमीटर हो गया, 690 किलोमीटर अभी तक, ये तो सब बस पहला पड़ाव है। सही बोले, 690 किलोमीटर हो गया अभी तक, क्या बात है भाई क्या बात है। हाँ और 10 किलोमीटर के बाद 700 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएगा। रात को 9 बजे हम लोग चले थे, उसके बाद से अब तक हम लोगों ने चलाया है 690 किलोमीटर, क्या बात है। 700 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएगा या उससे भी ज्यादा होगा, देखते हैं। मनीष भाई अहमदाबाद में रुकने वाले थे। और 2 घंटे गाड़ी चलाना, सीधा जैसलमेर पहुंच जाएंगे आप। नहीं 2 घंटा चलाए तो नहीं, और 8 घंटा चलाए तो जैसलमेर पहुंच जाएंगे, मगर जैसलमेर नहीं जाएंगे हम डायरेक्ट। 2 घंटे का भी अपने लिए, ये बात तो सही है। बाकी गाड़ी तो बहुत अच्छी चल रही है। दोपहर के 3 बज रहे हैं, हम लोग अहमदाबाद से भी 35 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। हम लोग रूम ढूंढ रहे थे मगर रूम तो कुछ मिला नहीं, भूख लग गई तो खाने के लिए रुक गए। मनीष भाई पहले खाते और फिर क्या है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। चलो भाई खाते और निकलते। ये सब जो भी चीजें है मनीष भाई ने अपने चॉइस से ऑर्डर किए। शेव भाजी इज बैक। मैंने मनीष भाई को बोला, मनीष भाई यहाँ पे तो सब कुछ वेज है, वेज में तो मुझे कुछ समझता ही नहीं ऑर्डर करने के लिए, तुम ही कर दो। तो ये आ गई दाल तड़का, शेव भाजी और रोटी, फटाफट फिनिश करते हैं भाई। सवेरे क्या खाए थे नाश्ते में, एक चाय, एक बिस्किट और एक चिप्स। चलो भाई खाए पिए भर गया पेट, अभी हमारे लिए ठिकाना ढूंढते हैं जहाँ पर हम अपनी नींद जो है नींद कवर कर सके और हमारी बॉडी को रिकवरी मोड में डाल सके। फटाफट वो देखते हैं और हमारी बॉडी को रिकवरी मोड में छोड़ देते। फाइनली हमारा सहारा जो है वो मिल गया, जहाँ पर हम लोग हमारी नींद कवर कर सके फाइनली।
जल्दी से रिकवर होके मिलते हैं। ये देखो हाय हाय क्या हालत है, हाय हाय मुझे भी देखो। कितने बजे आए अपन यहाँ पे, कितने बजे आए? 5 बजे, 5 बजे नहीं, 5 बजे नहीं, 4 बजे, 4:15 बजे के आसपास, 4:15 बजे के आसपास हम लोग यहाँ पे आए, नहा धो के मस्त 5:15 बजे जो सोए, 9:15 बजे उठे, 9:15 बजे से अभी तक कुछ काम ही कर रहे। टाइम क्यों? 11:15 बज रहे। खाएंगे फटाफट और जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कहानी का जुड़े रहिए, ये कहानी यहाँ से अगले ब्लॉग में बढ़ाते हैं। ये ब्लॉग तो यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया, पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। टिल देन स्टे सेफ, पीस, अस्सलाम, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड सी यू, गुड बाय।